कोसी विधानसभा सीट पर भाजपा ने प्रचार के लिए दिग्गजों को उतारा था, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया जीत की बाजी मार गया। कोसी सीट पर बीजेपी केदार सिंह को हरा दिया गया। उसी उपचुनाव में हार मिलने के बाद भाजपा खेमा मंथन में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि दलितों के एक बड़े वर्ग का वोट कोसी उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ गया। इस कोसी उपचुनाव में बीजेपी ने जनता को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन इन सब के बावजूद वह दलित समुदाय को लुभाने में नाकामयाब रहे। और अब कोसी उपचुनाव के आंकड़े 2024 के लिए बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इससे पहले खतौली और मैनपुरी की विधानसभा से उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और अब जब 2024 के लिए चुनाव का माहौल बनने लगा है तो बीजेपी के लिए टेंशन का माहौल बढ़ चुका है। अगर कोसी उपचुनाव की बात करें तो यह भाजपा की दारा सिंह का मुकाबला सपा के सुधांकर सिंह से था। बीजेपी को उम्मीद थी कि बसपा की गैर मौजूदगी में दलित वोटरों को लुभाकर सपा को हरा देंगे। दलितों को लुभाने के लिए कई सारे पैतरे अपनाए गए। मायावती को सहानुभूति जताते हुए 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस का जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन सबके बावजूद चुनाव परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं रहा। आपको बता दें कि सपा को 57.2 और बीजेपी को 37.5 वोट हासिल हुए थे।